इस वीडियो में हम बात करेंगे 1998 की फिल्म अंडर द सन के बारे में, जो द लिटिल फार्म नाम की एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। और ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से अलग होने के बावजूद प्यार में पड़ गए, पर उनके लिए साथ रहना आसान नहीं था। स्वीडन के एक छोटे से गांव में ओलाफ नाम का एक अनपढ़ किसान रहता था। सालों पहले अपनी माँ को खोने के बाद ओलाफ अकेले रहकर अपनी पोल्ट्री फार्म को संभालने लगा और अपने जानवरों के बीच रहकर वो खुश था। उसकी शांति भरी जिंदगी का हिस्सा सिर्फ उसका दोस्त एरिक था, जो उम्र में उससे छोटा था। ओलाफ को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उसके काम में एरिक उसका हाथ बटाकर उसकी मदद किया करता था। एरिक, जो कि एक जहाज पर काम करता है, हर वक्त ये कहता है कि वो अमेरिका में कई सेलिब्रिटीज को जानता है और उसकी सारी बातों पर ओलाफ भरोसा कर लेता है। एरिक को उसकी मदद के बदले ओलाफ पैसे भी दिया करता है, जिसकी वजह से उन दोनों दोस्तों में कभी किसी चीज को लेकर गलतफहमी पैदा नहीं हुई। पर कुछ लोगों को एरिक की बातें और उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी और उनकी नज़र में वो एक शैतान के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन अपने अकेलेपन से तंग आकर ओलाफ एक न्यूज़पेपर कंपनी में गया। वो असल में एक साथी ढूंढना चाहता था, पर उसने एक एड छपवाया जिसमें उसने शादी की बात नहीं लिखवाई। उसने ये लिखवाया कि वो एक औरत को अपने पोल्ट्री फार्म और काम संभालने के लिए नौकरी देना चाहता है, और उसे शर्माते देख वहाँ काम कर रही रिसेप्शनिस्ट हंसने लगी। ओलाफ के एड के बारे में उस इलाके के पादरी को भी पता चल गया और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत के चलते वो चुप नहीं रह पाया। अगले ही दिन उस पादरी ने एरिक को न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें ओलाफ का एड छपा था। उसने एरिक से कहा कि उसका दोस्त उसकी जगह किसी और को देना चाहता है, और ये बात एरिक को अच्छी नहीं लगी। इन सारी बातों से अनजान ओलाफ अपने एड के जवाब का इंतजार करता रहा, और एक दिन उसके लिए दो औरतों की चिट्ठियां आई। पहला जवाब एक 29 साल की औरत का था, जो उस गांव से दूर किसी शहर में रहती है। एना नाम की वो औरत ये काम करना तो चाहती थी, पर उसने अपनी चिट्ठी के साथ कोई तस्वीर नहीं भेजी, इसलिए उसने दूसरी चिट्ठी पढ़ने का फैसला किया। रिसेप्शनिस्ट ने वो चिट्ठी पढ़कर उसे बताया कि वो चिट्ठी 33 साल की एक औरत ने भेजी है, और उसकी तस्वीर देखते ही ओलाफ ने उसे नौकरी देने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने एलन नाम की उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। ओलाफ का पोल्ट्री फार्म और घर देखने के बाद एलन समझ गई कि वो सालों से अकेले रह रहा है, और ओलाफ जानता था कि इस घर को एक औरत की मौजूदगी की जरूरत है। हिचकिचाते हुए एलन अगले दिन से काम शुरू करने के लिए तैयार हो गई और ओलाफ उसके फैसले से खुश हो गया। पर कोई बात एलन को परेशान कर रही थी जिसके बारे में ओलाफ नहीं जानता था। एलन जब वहाँ से निकली तब एरिक ने उसे देख लिया और उसी के बारे में बात करने अगली सुबह वो ओलाफ के पास आ गया। वो एलन को उस घर में देख कर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और उसके बर्ताव से ये बात एलन भी समझ गई। ओलाफ ने एरिक को समझाया कि एलन एक अच्छी औरत है और वो इस घर को बेहतर रूप दे सकती है, पर एरिक उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। एरिक की नाराजगी ओलाफ के फैसले को बदल नहीं पाई और ओलाफ सिर्फ एलन के साथ रहने के बारे में सोचने लगा। एलन के लिए ओलाफ और ये गांव किसी नई दुनिया की तरह थे, और उस घर के साथ साथ वो ओलाफ की आदतों को भी बदलने की कोशिश करने लगी। ओलाफ उससे ये बात छुपाना चाहता था कि वो पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए उसने कह दिया कि घर का सारा काम एरिक किया करता है, ताकि सामान लाने का काम एरिक ही करे। पर एरिक के साथ घर के काम संभालना एलन के लिए आसान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एरिक बार बार उसे घर से दूर भेजने के तरीके ढूंढ रहा था। कुछ दिन गुजरे और ओलाफ एलन को उसके काम के पैसे देने के बारे में सोचने लगा। उसने एरिक को एक कर्ज दिया था और वो जानना चाहता था कि एरिक वो पैसे उसे कब लौटाएगा, क्योंकि ओलाफ के पास घर की मरम्मत करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर अपने शर्मीले बर्ताव की वजह से वो एरिक से पैसे मांग नहीं पाया, और उसकी इसी मासूमियत का फायदा उठाकर एरिक एलन से बदतमीजी करता रहा। धीरे धीरे एलन और ओलाफ की दोस्ती होने लगी और ओलाफ उसके साथ कंफर्टेबल होने लगा। उसने एलन को उसकी जरूरत की चीजें देने की पूरी कोशिश की, पर वो अब भी ये समझ नहीं पाया कि एक औरत के आसपास उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो एलन को पसंद करने लगा था, पर वो इजहार करने का सही तरीका जानता ही नहीं था। कुछ दिन बाद लेना नाम की एक लड़की ओलाफ से मिलने आई और एरिक ने बिना वक्त गवाए उसे वहाँ से भगा दिया। तब एलन को समझ आने लगा कि एरिक किसी को ओलाफ के पास आने नहीं देता। ओलाफ जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के करीब आ रहा था और उसके साथ खुश था। ये देखकर एरिक हैरान हो गया और कहने लगा कि सिर्फ एक हफ्ते में एलन ने पूरे घर को बदलकर ओलाफ का दिल जीत लिया है। उसने एलन से कह दिया कि जिंदगी में ओलाफ ने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है, और कोई नहीं जानता कि एलन आखिर है कौन, इसलिए वो चाहता था कि एलन ओलाफ से दूर रहे। पर एलन ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन ओलाफ एक फ्यूनरल में गया और तब मौका मिलते ही एलन घर में रखी चीजें देखकर ओलाफ की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगी, पर उस वक्त भी एरिक उसके सामने आ गया।
वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एलन को अनकंफर्टेबल करके उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगा। एलन ने तो उस वक्त कुछ नहीं बताया, पर एरिक उसे अपने काम के बारे में बताने लगा और उसने उन मशहूर लोगों के बारे में बताया जिनसे वो मिल चुका है। उन मशहूर लोगों में से एक एल्विस प्रेस्ली भी था, जिसके बारे में एलन कुछ नहीं जानती थी। एरिक एल्विस की नकल उतारने की कोशिश करने लगा, पर ठीक उस वक्त ओलाफ वहाँ आ गया और ये सब कुछ देखकर वो निराश हो गया। कुछ देर तक एलन से दूर रहने के बाद वो फिर से घर लौट कर आ गया और एलन उससे उन चीजों के बारे में पूछने लगी जो उसे घर में मिली थी। जिंदगी में पहली बार ओलाफ किसी को अपनी यादों के बारे में बता रहा था और ये बातें एलन को बताकर उसका मन हल्का होने लगा। ओलाफ और एलन की करीबी बढ़ती जा रही थी और एलन अब पोल्ट्री फार्म का काम भी सीखने लगी। इस सब की वजह से एरिक पहले से ज्यादा इनसिक्योर हो गया। उसने एलन के सामने अपना कर्ज चुकाने का नाटक किया और उसी वक्त एलन के पीठ पीछे उसने वो पैसे ओलाफ से वापस भी ले लिए। इतना ही नहीं, वो ओलाफ को एलन से दूर रहने की सलाह देने लगा क्योंकि वो जानता था कि ओलाफ उससे प्यार करने लगा है। एरिक पादरी से कहने लगा कि अब ओलाफ की जिंदगी एलन कंट्रोल करने लगी है और वो प्यार में अंधा होता जा रहा है। वो ये सोच रहा था कि एलन सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहती है क्योंकि उसके जैसी खूबसूरत औरत कभी ओलाफ को पसंद कर ही नहीं सकती, मगर वो ये नहीं जानता था कि एलन सचमुच ओलाफ से प्यार करने लगी है। ओलाफ भी एलन को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इसकी वजह से वो एरिक पर ध्यान नहीं दे पाया और एरिक की नाराजगी बढ़ती गई। ओलाफ अपने आप को एलन से दूर नहीं रख पाया और उसने एलन को बता दिया कि वो उससे प्यार करने लगा है। एलन ने भी प्यार का इजहार किया, पर ओलाफ डर के मारे पीछे हट गया। वो ज्यादा देर तक अपने आप को एलन से दूर नहीं रख पाया और एक तरफ जहां वो एलन के करीब जाने की हिम्मत जुटा रहा था, वहीं एरिक लेना के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। ओलाफ की तरह लेना भी पहली बार किसी के करीब आई थी, पर वो निराश थी क्योंकि एरिक सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था। दूसरी ओर ओलाफ अपने इस नए रिश्ते की वजह से पहले से ज्यादा खुश रहने लगा और जब एरिक को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वो एलन और ओलाफ को अलग करके रहेगा। उसने ओलाफ से कह दिया कि वो बस उसका फायदा उठाना चाहती है क्योंकि ओलाफ एक मंदबुद्धि इंसान है। उस दिन ओलाफ समझ गया कि एरिक उसका सच्चा दोस्त है ही नहीं और वो उसकी खुशी में खुश होना चाहता ही नहीं। फिर भी उसने एरिक को माफ कर दिया। अगले ही दिन ओलाफ ने एलन को अपनी माँ की अंगूठी दे दी और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर इस बात से खुश होने के बजाय वो रोने लगी। वो किसी बात को लेकर परेशान थी, पर ओलाफ ने उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। वो एरिक के साथ कुछ देर के लिए बाहर गई और तब उसने उस कर्ज के बारे में पूछा जो अब तक एरिक ने चुकाया नहीं है। ओलाफ को पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि उसका पोल्ट्री फार्म टूटने की कगार पर था और अगर मरम्मत नहीं की गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। पर एरिक ने जवाब में एक भद्दी बात कह दी जिसे सुनकर एलन ने अपना आपा खो दिया। एलन को गालियां देते हुए एरिक ने कह दिया कि वो उसकी सच्चाई ढूंढ निकालेगा और उस दिन के बाद से उसने ओलाफ और एलन के रिश्ते में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। एलन का मकसद उस वक्त सिर्फ ओलाफ को उसके हक के पैसे दिलाना था, पर एरिक का वो पैसे लौटाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने एलन को धमकाना शुरू कर दिया। एरिक को किसी तरह पता चल गया था कि एलन पहले से शादीशुदा है और ये जानकर एलन डर गई। इसी डर के चलते उसने ओलाफ से दूर जाने का फैसला किया और एक आखिरी बार उससे मिलकर वो घर छोड़कर चली गई। घर लौटने पर ओलाफ को सिर्फ एक चिट्ठी मिली जो एलन ने उसके लिए छोड़ी थी, पर अनपढ़ होने की वजह से ओलाफ वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। उसने एरिक से मदद मांगी और पहले तो एरिक ने चिट्ठी पढ़ने से इनकार किया, पर फिर वो उसमें लिखी बातें बताने के लिए राजी हो गया। एलन ने चिट्ठी में अपनी शादी का सच लिखा था और ये भी लिखा था कि वो अपने उस रिश्ते को खत्म करने घर लौट रही है, पर एरिक ने ये कह दिया कि एलन वो पैसे चुराकर भागी है जो एरिक उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए दे रहा था। चिट्ठी के अंत में एलन ने ये भी लिखा था कि उसका प्यार सच्चा है और वो ओलाफ के पास लौट कर जरूर आएगी, पर एरिक ने ये बात भी उसे नहीं बताई। अपने मतलब के लिए एरिक ने अपने ही दोस्त का दिल तोड़ दिया, पर जब एरिक उस चिट्ठी को फेंकने की कोशिश करने लगा तब ओलाफ ने वो चिट्ठी उससे छीन ली। एरिक ने बिना वक्त गवाए ये कह दिया कि वो अमेरिका लौट रहा है और ये सुनकर ओलाफ ने कहा कि वो अनपढ़ जरूर है पर बेवकूफ नहीं, इसलिए उसे एरिक की किसी भी बात पर भरोसा नहीं। ओलाफ को यकीन था कि सच कुछ और है और वो उसी दिन से एलन के लौटने का इंतजार करने लगा। कई महीनों तक अपने टूटे दिल के साथ वो उसका इंतजार करता रहा और आखिरकार वो दिन आया जब एलन लौट कर आई। उसके आते ही ओलाफ ने उसे वो चिट्ठी पढ़कर सुनाने के लिए कहा और तब एलन को पता चला कि ओलाफ पढ़ लिख नहीं सकता। ओलाफ सिर्फ ये जानना चाहता था कि एलन उससे प्यार करती है या नहीं और सच जानकर ओलाफ ने उसे फिर से अपना लिया।
वो उसे अपने घर ले गया और उस दिन उसे ये समझ आ गया कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो किसी मकसद के साथ होता है। हर एक परिस्थिति के पीछे ऊपर वाले का कोई खेल होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। एलिन का उलोफ की जिंदगी में आना और उसे छोड़कर चले जाना वही खेल था जिसकी वजह से एरिक की सच्चाई उलोफ के सामने आई और ऊपर वाले के इसी खेल की वजह से उलोफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।